आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो में सीखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। और ये परसेंटेज की क्लास नंबर वन है। इसके आगे भी आपको कंटिन्यूस ऐसी क्लास मिलेगी जिसमें आपको परसेंटेज की छोटी छोटी बातें बारीकियों को बहुत अच्छे समझाया जाएगा और आप परसेंटेज के क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो और देखते ही इसको सोल्व भी कर सकोगे। सबसे पहले चलते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। देखिए बच्चों, परसेंटेज का मीन्स क्या होता है। परसेंटेज का मीन्स होता है आपका पर हंड्रेड। इसका मीन्स हम ये भी कह सकते हैं, अगर किसी नंबर का रेशियो 100 के साथ या उसको 100 से कंपेयर करें तो उसी को हम उसकी परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। और परसेंटेज के सैंपल को जो है हम इससे दर्शाते हैं। ये हमारा परसेंटेज का सैंपल है और सैंपल का मीन्स है पर 100, मीन्स 1/100। ये भी आप इससे हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चेंज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, दिए गए नंबर, जैसे आपको ये ए परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, ए परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, उसको ए अपॉन परसेंटेज का साइन रिमूव करके उसके नीचे 100 लगा देना है। यही हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करना। चलिए समझते हैं, कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और उसके थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 20% लिखा हुआ, 20% को अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में मुझे चेंज करना हो तो मैं कैसे चेंज करूँगा, 20, ये ए आपका क्या हो गया 20, और परसेंटेज का साइन रिमूव करके इसके नीचे 100 लगा देंगे। अब 20 से 100 अगर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे 21 जा 20, 25 जा 100, इसका मीन्स हुआ कि 20% इज इक्वल टू 1/5। लेट टेक अदर एग्जांपल, कुछ अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट 30% को अगर मुझे चेंज करना हो तो 30% को कैसे चेंज करेंगे हम फ्रैक्शन में। ये हमारा 30% है तो हम इसको लिखेंगे 30 डिवाइड बाय जो परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे इसके प्लेस पर 100 लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल टू 3/10, तो यहाँ पे आपका 30% जो है वो आपका 3/10 हो गया। इस तरीके से हम इसको परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि परसेंटेज से कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि अदर एग्जांपल लें, यहाँ पे मैंने लिया भाई 65% और 65% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 65 और परसेंटेज का साइन रिमूव करके यहाँ पे 100 लगाएंगे। इसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 5 1 5 5 3 15, 5 2 10 0, ये आपका 13/20, 65% जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है 13/20 एज ए फ्रैक्शन में, ओके। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है तब आप उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपको ये परसेंटेज यहाँ पे गिविन है, फ्रैक्शन को ही गिविन है लाइक एज ए अपॉन बी, और आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लिखते हैं ए अपॉन बी 200%। मीन्स किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें चेंज करना है हम उसके न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो भी सिंप्लीफाई होकर आएगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। जैसे हमें चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये 1/5 ये आपका फ्रैक्शन है और इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, सो 1/5 इज इक्वल टू वी कैन राइट 1/5 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। यहाँ से 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 5 2 10 21 20, तो ये आपका 20% हो जाएगा। सो 1/5 इज इक्वल टू 1/20। सो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर को जो भी हमारा फ्रैक्शन में है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई और क्वेश्चन हम लेते हैं, एग्जांपल 2/5, ये हमारा एक फ्रैक्शन पार्ट है और उसको परसेंटेज में चेंज करना है, सो 2/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 और इसके न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 5 और परसेंटेज का साइन। 5 से अगर हमारा 100 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे इसको, 5 2 10 0, तो ये हमारा 2 × 20% 22 या 40 2/5 जो हमारा वो 14% के इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो
तब हमेशा उस फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर यानी कि ऊपर वाले पार्ट में 100 से मल्टीप्लाई और इनटू परसेंटेज का साइन लगाएंगे और इससे हमारा फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और ये इसका आप फॉर्मूले फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड परसेंटेज वैल्यू ऑफ ए गिविन नंबर। अगर आपको कोई नंबर गिविन है तब उसकी परसेंटेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड परसेंटेज वैल्यू ऑफ गिविन नंबर। अगर हमें कोई भी गिविन नंबर है उसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो लेट ए परसेंट ऑफ बी, बी का ए परसेंट कितना हो, ये तो हमारा फॉर्मूला है और इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी अपॉन 100। किसी भी नंबर की हमें जो भी परसेंटेज फाइंड करनी होती है परसेंटेज और उस नंबर की मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है और यही हमारी परसेंटेज की वैल्यू होती है। जैसे आपको कोई नंबर दिया गया है एग्जाम्पल के फॉर्म में हम सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ 40, 40 का 20% कितना होगा, 20% ऑफ 40 कितना होगा, तब अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट 20 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। जब भी हमें किसी भी परसेंट वैल्यू किसी भी नंबर की परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी होती है तब हमें क्या करना होगा, वो जो नंबर हमारा गिविन नंबर और गिविन परसेंटेज और नंबर दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय आपको 100 करना होगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो यहाँ पे तो डायरेक्टली जीरो से ये जीरो कैंसिल और जीरो से ये जीरो कैंसिल, आपका बचेगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8% इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं अदर एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ, जैसे 25% ऑफ 16 का 25% कितना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया रूल कि जो भी आपकी परसेंटेज है वो और जो नंबर जिस नंबर का आपको परसेंटेज फाइंड करना है उस नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय क्या करना है आपको 100। उसके बाद नंबर को आपको सिंप्लीफाई करना है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 25 × 25 और 25 × 4 = 100, 4 से 16 भी कैंसिल हो जाएगा 4 times, तो आपका 4 आ जाएगा, 25% ऑफ 16 is 4, ये आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी दिए गए नंबर का। जैसे आपसे कहा जाए कि 60% ऑफ 4/5, 4/5 का 60% कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमें जो परसेंटेज है ये और नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, 60 × 4/5 और इंटू 100, नंबर परसेंटेज और नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमेशा आपको 100 करना होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था बच्चों कि परसेंटेज का मीन्स ही 1/100 होता है। तो इसको कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, और 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3 × 4 = 12/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी दिए गए नंबर की परसेंटेज वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जाने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगली जो वीडियो होगी क्लास नंबर 2 उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चन अप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज वो हम सब कैसे सोल्व करते हैं, ये सभी आपको क्लास 2 में मिल जाएगा। तो तब तक इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।